ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु वइय्याका नस्तईन। तो लैक्रिमल अपरेटस, अगर ये लैक्रिमल वाला जो है ना वो चैप्टर आपको समझ आ जाए, ठीक है, तो इससे आसान मेरे ख्याल में आई का जो है ना वो नहीं होगा। इसकी जो पंक्टस लैक्रिमल ग्लैंड से शुरू करना है आपने, और उसके बाद यहाँ पे जो है ना वो एक डक्ट आएगी जो कि वहाँ पे टेयर फिल्म बनाती है, फिर लैक्रिमल पंक्टा। जब आप आँख को थोड़ा सा नीचे करते हैं ना, अपने घर में किसी की आँख को ना नीचे यहाँ से करके देखिएगा जहाँ मैं उंगली है, आपको एक छोटा सा सुराख नीचे वाले आईलेट के ऊपर भी और ऊपर वाले आईलेट के ऊपर भी नज़र आएगा। तो बेसिकली वो ड्रेनेज के लिए होता है ना, ठीक है, जो एक्स्ट्रा फ्लूड होता है वो वहाँ से निकाल के फिर लैक्रिमल केनाल से जो है ना वो ला के यहाँ पर एक लैक्रिमल सैक होता है जो वहाँ पर इन्फेक्शन हो सकता है, बैक्टीरियल मोस्टली होता है, म्यूकोप्यूरुलेंट। उसके बाद नीचे आ जाती है लैक्रिमल डक्ट, ठीक है, और वो इन्फीरियर मीएटस के अंदर जो है ना वो आके ओपन होती है। तो ये था सारे का सारा जो है ना, अगर मीडियल साइड के ऊपर हो सारे का सारा तो लैक्रिमल अपरेटस का अंदर फर्क है, अगर लैटरल साइड के ऊपर आई की इन्फ्लामेशन आ रही है तो लैक्रिमल ग्लैंड का जो है ना वो आपको होगा सारे का सारा। ये एक तमहीद इसलिए मानी है कि ताकि जब आप इसको पढ़ें तो आपको बहुत ज़्यादा आइडिया हो जाए। बाकी मैं लेक्चर जब अपलोड करूँगा घंटे घंटे वाली वीडियो आई की, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह उसके अंदर जो है ना वो आपको इतनी समझ आ जाएगी कि आप फिर किसी भी आई को ना डायग्नोसिस से कर लेंगे, ठीक है। इसके जो इंपॉर्टेंट रिपोर्टेड थे ना, अक्यूट डेक्टेरोसिस सिस्टाइटिस हो गया, क्रॉनिक हो गया, कंजक्टिवाइटिस था, म्यूकोसील फिस्टूला, फिर इसके अंदर फॉर्मेशन होती है, कुछ ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर हमने ना ये ब्लॉकेज हो जाती है ना लैक्रिमल नेजो लैक्रिमल डक्ट की, तो हमें वहाँ से काट के उसको मिडिल मीएटस के अंदर भी जो है ना हमें ड्रेनेज करवानी पड़ जाती है, मोस्टली कंडीशन होती है। और फिर बच्चों के अंदर क्या होता है कि अगर ये ब्लॉक हो ना तो उन्हें ये कहते हैं कि मसाज करें, जिसकी वजह से नेजो लैक्रिमल डक्ट जो है ना वो कभी कभार ओपन हो जाती है। ये सारी कंडीशन, बड़े मज़े का ये चैप्टर, मुझे अच्छा लगता था ये। अच्छा, सिस्टेमिक इंडिकेशन आ गई, फिर हमारे पास कॉम्प्लिकेशन जो है ना वो स्टीरॉयड ड्रॉप्स की हमने देने, जाहिर बात है स्टीरॉयड ड्रॉप जब बच्चों को देंगे तो फिर मसला तो बनेगा। फिर मीडियल कैंसर स्वेलिंग है, एपिफोरा है, तो हमारे पास क्रॉनिक डेक्टेरोसिस्टाइटिस हो गया, सारे के सारे क्लिनिकल नहीं है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। फिर म्यूकोसिल स्टेज है, स्पोरेटिव स्टेज, ये वहाँ पे बुक के अंदर लिखी हुई है जितोई के। अब हमारे पास जो है ना वो रोज़ बेंगल एक स्टेनिंग बड़ा जो है ना इम्पोर्टेंट आता है, अमूमन एमसीक्यूज के अंदर आपको दिखेगा, ठीक है। फिर जेनिटल नेजो लैक्रिमल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, ये वही मैंने बताया ना, जो ऑब्स्ट्रक्शन होती है 6 से 9 साल तक जो है ना वो 6 साल तक वेट किया जाता है, उसके बाद जो है ना अगर वो भी ना खुले तो उसके बाद फिर सर्जरी कर दी जाती है, क्योंकि वो बच्चा होता है तो फिर उसके लिए मसला ना मान जाए ना। फिर मसाज मैंने यहाँ पर ऑलरेडी बता दी है आपको, तो बस वही बातें जो याद आ रही थी। अभी जो मोबाइल से पढ़ रहे हैं ना वो काइंडली यहाँ से एक दफ़ा स्क्रीन शॉट मार लें, ये फर्स्ट पेज है, ठीक है। इस डायग्राम को जिसकी समझ आ गई ना वो उसके बाद ये चैप्टर सारा हलवाई है, मैं बता रहा हूँ। ये हमारे पास जी सेकंड पेज है और ये हमारे पास थर्ड पेज। थैंक यू सो मच, रिमेंबर मी एज योर प्रीशियस प्रेयर। हाफिज़।